दाढ़ी को उगाने के लिए मिनोक्सिल और डर्मा रोलर कब यूज़ करना चाहिए? क्या वाकई में मिनोक्सिल और डर्मा रोलर यूज़ करने से आपकी दाढ़ी आ जाएगी? आज हम इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी के साथ बात करने वाले हैं, और अगर आपकी दाढ़ी नहीं आ रही तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। सो हाय गाइज, आई एम अनिल, वेलकम टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे पास कमेंट्स करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मैं उनके ऊपर हर रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ एक कमेंट के ऊपर। तो इस वीडियो में भी कमेंट है, दो कमेंट है, उन दोनों का हम रिप्लाई करेंगे और फिर उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए फिर हम वो अच्छे से बात करने वाले थे। ये भाई बोल रहे हैं, पहली जो कमेंट है वो बोल रहे हैं, भैया मेरी पतली पतली दाढ़ी है, 17 साल की उम्र में कैसे करूँगा जल्दी दाढ़ी ग्रोथ हो जाए। तो भाई आपकी 17 साल की एज है तो आपको ओनली होम ट्रीटमेंट्स करना चाहिए। आप अच्छी डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें। होम ट्रीटमेंट में आप प्याज का रस लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ तरीका होता है, और आप अच्छी डाइट के अकॉर्डिंग और अच्छे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज़ करके आपकी दाढ़ी की आप ग्रोथ कर सकते हैं। बट आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं करना, जैसे कि बेडोल्स, क्रीम्स, कैप्सूल्स, जो टैबलेट वगैरह, ये आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि 18 के बाद ये यूज़ की जाती है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, मिनोक्सिल 5% एंड डर्मा रोलर यूज़ करो। तो ये वाकई में बीएड ग्रोथ करने के लिए यूज़फुल होता है। अगर आप मिनोक्सिल प्लस डर्मा रोलर अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी दाढ़ी 100% ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग इसका यूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिसके बाद से उनकी दाढ़ी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। तो यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है? देखो, आप अगर मिनोक्सिल हर दिन यूज़ करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मिनोक्सिल जो होता है वो आपके फेस के बैठ के सर्कुलेशन को बहुत तेज इंक्रीज़ कर देता है। तो आपको मिनोक्सिल हफ्ते में 2 दिन यूज़ करना चाहिए। और जो डर्मा रोलर होता है वो उसमें किल्स होती है, और जैसे आप उसको रोल करते हो वो एक ब्रश टाइप का होता है, घूमता है, तो जैसे आप रोल करते हो आपके फेस पे तो वो फेस पर होल्स कर देता है, यहाँ से फेस पे हेयर्स निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपको इन दोनों का यूज़ साथ में नहीं करना है। साथ में क्यों नहीं करना? साथ में इसलिए नहीं करना क्योंकि जब आप डर्मा रोलर को रोल करते हो तो उससे आपकी स्किन में होल्स हो जाते हैं, और जो मिनोक्सिल होता है वो एक केमिकल होता है, तो अगर आपके होल्स में केमिकल चला जाएगा कहीं क्यों आपके होल्स पकने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले आपको डर्मा रोलर यूज़ करना चाहिए। डर्मा रोलर जब आप यूज़ करोगे तो आपके फेस पे होल्स हो जाएंगे। होल्स होने के 1 दिन बाद आप मिनोक्सिल यूज़ करें। आपको डर्मा रोलर भी हफ्ते में 2 दिन यूज़ करना है, मिनोक्सिल भी आपको हफ्ते में 2 दिन यूज़ करना है। लेकिन कब यूज़ करना है? पहले आपने डर्मा रोलर यूज़ किया, आज आपने डर्मा रोलर यूज़ किया तो आपको आज कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। नाइट को आपको डर्मा रोलर यूज़ करना है और नाइट को ही आपको मिनोक्सिल यूज़ करना है। डे में तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट्स नहीं करना। तो आपने अगर आज डर्मा रोलर यूज़ किया तो आप सेकेंड डे आप मिनोक्सिल अप्लाई करें, हफ्ते में 2 दिन करें, 1 से 2 महीने में आपके दाढ़ी के नए बाल ग्रोथ होने लग जाएंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो इसका यूज़ सभी कर सकते हैं, लेकिन जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है वो इसका यूज़ डेफिनेटली करें, क्योंकि फास्ट बियर्ड ग्रोथ करने के लिए मिनोक्सिल प्लस डर्मा रोलर बहुत सही ट्रीटमेंट्स होता है। खर्चे की बात करें तो आपको 400-500 में आपको मिनोक्सिल देखने को मिलेगा, 200-250 या 500 में आपको डर्मा रोलर देखने को मिलेगा। आप इसका यूज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक आप इसका यूज़ करोगे आपकी दाढ़ी बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी फास्ट बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप मिनोक्सिल प्लस डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सही तरीका है। बाकी आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छा सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।